वर्ल्ड मिस्ट्री के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं फैसल और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की सबसे पुरइसरार तरीन जगह यानी बरमूडा ट्रायंगल के हवाले से नए इंकशाफात ने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया है। माहरीन जिस खदशे का इंकशाफ करते आए हैं वो सच होने जा रहा है। मुआजिज दोस्तों, हाल ही में बरमूडा ट्रायंगल में एक पुरइसरार मखलूक देखी गई। क्या ये एलियन था या कुछ और, ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जी तो नाज़रीन ग्रामी, मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सन 1892 में एक क्रिस्टोफर कोलंबस नामी शख्स समुंदर में सफ़र कर रहा था। जब उसने समुंदर में गैर मामूली सी हलचल महसूस की तो उसे लगा कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। तो उसने जहाज़ के कंपास को देखा तो वो ये देखकर परेशान रह गया कि जहाज़ के कंपास ने काम करना छोड़ दिया है। फिर अचानक उसे आसमान से एक आग का गोला आता हुआ नज़र आया जो समुंदर में आकर लगा। क्योंकि वो ये सब कुछ देखकर डर चुका था, इसलिए उसने वापस मुड़ना ही मुनासिब समझा। प्यारे दोस्तों, वापस आने के बाद उसने इस वाक्य पर एक किताब भी लिखी, लेकिन लोगों ने इसकी बात पर गौर नहीं किया और उसे पागल कहते रहे। इसी वाक्य के कुछ सालों बाद अमेरिका के 14 जंगी जहाज़ों ने इसी जगह से उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही वो इस जगह के ऊपर पहुंचे तो उनके कंपास ने भी काम करना छोड़ दिया। तो उस ग्रुप के लेफ्टिनेंट चार्ल्स ने कंट्रोल टावर को कॉल की, जिसमें उसने कहा कि हमें मालूम नहीं हम कहां जा रहे हैं और समुंदर का रंग भी सब्ज़ पड़ चुका है और हम नहीं जानते कि यह समुंदर कौन सा है। इसके बाद कॉल कट गई। इस कॉल के कटते ही 13 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप इनकी मदद के लिए हवाई जहाज़ में रवाना हुआ, लेकिन उसकी उड़ान के 14 मिनट बाद वो जहाज़ भी गायब हो गया और आज तक उन हवाई जहाज़ों की कोई खबर नहीं आई। मुआज़िज़ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। नाज़रीन ग्रामी, इस जगह ने अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक के हवाई जहाज़ों से लेकर बहरी जहाज़ों, खा वो छोटे हों या बड़े, सब को अपनी लपेट में ले लिया। इससे भी तशवीशनाक खबर यह है कि इसमें मौजूद लोगों की आज तक कोई खबर नहीं कि वो किस दुनिया में जा चुके हैं। ये मौत का खेल यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इस जगह ने कुछ ही सालों में कमोबेश 50 बहरी जहाज़, 20 हवाई जहाज़ और लाखों लोगों को अपने अंदर समो लिया। इसके बाद कई मुसन्निफों ने अपनी किताबों में इस पुरइसरार जगह के बारे में बयान किया। इस पुरइसरार वाक्य के बाद इस जगह का नाम बरमूडा ट्रायंगल रखा गया। बहुत से लोग इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये जगह अमेरिका के शहर फ्लोरिडा से लेकर प्योर्टो रिको तक फैली हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया में मौजूद टाइम मॉर्टल है जो लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाता है। इस तशवीशनाक जगह ने फौजियों को भी चुकन्ना कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, बरमूडा ट्रायंगल नामी ये जगह अमरीकियों के कब्ज़े में है और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। हाल ही में एक अमरीकी फ़ौजी ने यहाँ पर खलाई मखलूक रहने का दावा किया है और इस पर एक वीडियो भी बनाई है जो बाद अज़ां सोशल मीडिया पर वायरल रही, जिसके बाद अमरीकी फ़ौजी भी तशवीश का शिकार हैं। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल का खोल एक ख़ास वक़्त पर खुलता और बंद होता है, इसलिए इस पर कोई भी जोर नहीं चलता और जब यह खोल खुलता है तो अपने नज़दीक तमाम जहाज़ों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और उनका कहना है कि वो तमाम जहाज़ जो इस खोल के अंदर जा चुके हैं वो बिल्कुल सही सलामत इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और दुनिया यानी डायमेंशन में है। नाज़रीन ग्रामी, कुछ साइंसदान इस पर इंकशाफ करते हुए कहते हैं कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा मकदार में मीथेन हाइड्राइड नामी एक गैस मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसे बुलबुले उठते हैं और वो अपने ऊपर से गुजरने वाले जहाज़ों को इस खोल में खींच कर तबाह कर देते हैं। अमरीकी फ़ौजी अहकाम का कहना है कि पहले कभी हमारा कोई जहाज़ इस तरह से गायब नहीं हुआ, आखिर इसकी क्या वजह है कोई नहीं बता सका। प्यारे दोस्तों, ये भी मुमकिन है कि यहाँ पर एलियन मौजूद हों या मीथेन हाइड्राइड वाफिर मकदार में मौजूद हो।
इसे जानने के लिए एक और वाक्य पर गौर करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, 1925 में एक कोटोपैक्सी नामी एक जहाज़ ने 32 मुसाफरों समेत अपना सफ़र शुरू किया। जब यह जहाज़ इस जगह के करीब पहुंचा तो उसके कंपास ने भी काम करना छोड़ दिया और वो भी पूरे इसरार तरीके से गायब हो गया। इसे 90 साल बाद हवाना में ढूंढ लिया गया। इसे लोगों ने देखा तो वो हैरान रह गए कि जो जहाज़ इतने साल पहले बरमूडा ट्रायंगल में डूबकर तबाह हो चुका था तो वो इतने साल बाद कैसे मिल गया। तो इस वाक्य ने एक और सवाल खड़ा कर दिया कि अगर वाकई ही इस जगह पर मीथेन गैस मौजूद है तो इतने साल बाद ये जहाज़ इसमें डूबने के बाद कैसे मिल गया और इसमें मौजूद इंसान कहाँ है। क्या वाकई ही इस जगह में कोई टाइम मोर्टल मौजूद है जिसने इंसानों को किसी दूसरी दुनिया के किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया है। तो वर्ल्ड मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए दोस्तों, अभी साइंसदान इसी बात में उलझे हुए थे तो उन्हें पता चला कि खला में नासा की बनाई गई स्पेस लेबॉरेटरी जब इस जगह के ऊपर से गुजरती है तो उसमें मौजूद तमाम आलात काम करना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के हबल टेलीस्कोप भी जब इस इलाके से गुजरता है तो वो भी कुछ देर के लिए काम करना छोड़ देता है। टेरी वॉर्फ जो कि अमेरिका का खलाबाज है, उसका कहना है कि उनके पहले खलाई सफ़र में ही उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि बरमूडा ट्राइंगल के ऊपर से गुजरते हुए उनका स्पेस क्राफ्ट काम करना छोड़ देता है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले सफ़र में बरमूडा ट्राइंगल के ऊपर से गुजरते हुए एक तेज़ लाइट को देखा। इसकी आवाज़ तो नहीं थी लेकिन इसके फौरन बाद स्पेस क्राफ्ट ने काम करना छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि इस मिशन से पहले इसके बारे में पढ़ा तो ज़रूर था लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब इससे सामना होगा तो ये इतना ख़तरनाक होगा। नाज़रीन ग्रामी, आपके ख्याल में बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी क्या है जिसने दुनिया को अपने खौफ में मुब्तला कर रखा है? इसमें आखिर ऐसी कौन सी ताकत मौजूद है जो ना सिर्फ ज़मीनी जहाज़ों बल्कि खला में पहुँच कर स्पेस क्राफ्ट को ना सिर्फ ख़राब बल्कि तबाह करने की ताकत रखती है? क्या वाकई इसमें कोई डायमेंशन पोर्टल मौजूद है या इसमें एलियन रहते हैं? अब आपकी जो भी राय है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द इंफॉर्मेटिव और मिस्ट्री केस वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।